देखिए, अगर आपको ये नंबर्स दिए हैं ना ये सारे, और वो कहे एडिटिव इनवर्स फाइंड करे, तो एडिटिव इनवर्स में आपने सिर्फ साइन चेंज करना है, -7 से +7, 23 से -23। ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन है, यानी ये उन्होंने दिया होगा, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर है, ये आपका आंसर है, -11 से +11, यानी सिर्फ आपने साइन चेंज किया तो एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या हुआ, आपने उसका रिसिप्रोकल ले लिया। जैसे -7 है तो आपने लिखा -1/7, 23 है तो आपने लिखा 1/23, -11 है तो आपने लिख लिया -1/11। अब समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। ये वही सवाल है जिसमें आप एलसीएम लेते हैं या कॉमन डिनोमिनेटर करते हैं, और कॉमन डिनोमिनेटर से आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वो मैं हम सर कैसे करेंगे, जिन जिन के पास बुक्स नहीं है, मैं इस क्वेश्चन का एक पिक्चर भी ग्रुप पे भिजवा देता हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग फिर बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मैंने जो पिक्चर अभी ग्रुप पे भिजवा दिया, मैं उधर ही से क्वेश्चन देखा करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर सर टू जी, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में है, यस सर सर बोले ये बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 102/1 117 सर, इसे कैसे करेंगे? क्या था? 102/117 यार अस्तग़फ़िरुल्लाह, यार अभी कितना इजी है, 102/117। मैं इसका पहले एडिटिव इनवर्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स इसका होगा -102 डिवाइडेड -102। बाय 117, यानी सिर्फ आपने साइन चेंज किया। अब मैं इसी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखता हूँ, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 117 को आपने ऊपर लिखना है, यानी इसी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे और सर 102 के रिसिप्रोकल करना नीचे। है, और 102 को आपने नीचे लिखना है। अब समझ आ गई बेटा? यस यस सर। सर। यानी एडिटिव इनवर्स में आपने सिर्फ साइन चेंज किया, प्लस से माइनस बनाया, माइनस से प्लस बनाया, जबकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आपने रिसिप्रोकल किया, यानी उल्टा कर दिया, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। अंडरस्टैंड सर मुझे एक सवाल है मेरा। जी, बोले। सर एडिटिव इन्वर्स में हमने 102 के साथ माइनस लगा दिया, तो हम 117 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे? यार एक ही जगह माइनस लगाना है, और माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगता है, ठीक है। ओके सर। ये पूरा एक नंबर है ना, 102/117, ये कोई अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है पूरा। और उस पूरे नंबर का जब आपने साइन चेंज करना, तो हमेशा न्यूमरेटर का साइन चेंज होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता, ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू सिंप्लीफाई। मैं आप लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज आप लोग ये हल करके ना मुझे भिजवा देना, ठीक है, फिर मैं सर हल करा एक देता बार हूं। पहले आप लोग खुद हल करें। सर पहले हम लोग हल करें। जी, मैंने खुद ही सर कर करवा लिया लिया बेटा, है। लेकिन मैं वैसे चाहता हूँ कि आप लोग सर हो गया आंसर। सर गुड। अब अभी अभी हो गौर से गया। देखना जरा, इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस 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 शाबाश। अब सर एट वन इधर बाय भी एट प्लस डिनोमिनेटर है, फाइव बाय एट एट इधर भी डिनोमिनेटर है, तो एट क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, जिसको हम एलसीएम कॉमन कहते कॉमन हैं, ठीक है। वन को अपॉन वन फाइव से प्लस क्या फाइव करेंगे, वन प्लस फाइव से प्लस करेंगे प्लस और आंसर 6 आ जाएगा। 6/8 सर आंसर 6/8 आ जाएगा। लेकिन इसकी कटिंग नहीं भी तो सर करनी थ्री बाय है। फोर सर आएगा। अरे सर सर थ्री थ्री बाय बाय फोर फोर आएगा सर, इसे कट करके सर 3/4 आ जाएगा थ्री आंसर। बाय फोर आ जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ गई बेटा? यस सर। बिल्कुल।
मुश्किल तो नहीं है? यस सर। नो सर। ये पार्ट नंबर वन था जो हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, जो जो मेरे साथ साथ नो प्रैक्टिस सर। करना चाहते हो प्रैक्टिस कर ले, मैं इतनी जल्दी इरेज नहीं करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, सबकी आवाज आ रही है बेटा। ओके ओके। वैसे मेरा नेटवर्क थोड़ा पुअर हो गया था ना अभी, तो मैंने नो सोचा नहीं आ प्रॉब्लम। रही। अब इस क्वेश्चन को देखें, -99/100 +77/100। अब जब एलसीएम एक जैसा है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर अगर एक जैसा है, तो आप डिनोमिनेटर को एलसीएम बना दें और -99 + 77 लिख दें। तो -99 + 77 से क्या आएगा बेटा, बताए जरा। सर प्लस माइनस माइनस रहेगा सर पे, आप 99 में से सर माइनस 77 को 22 माइनस आएगा। करेंगे। जब एक माइनस हो सर और वेट, एक प्लस हो तो आप माइनस माइनस करेंगे। नाइन ट्वेंटी माइनस टू सेवन माइनस टू ट्वेंटी टू प्लस नाइन माइनस 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 सेवन होगा टू और चूंकि 99 ट्वेंटी बड़ा टू है बाय उसके साथ हंड्रेड माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। क्या आएगा? आंसर में भी माइनस माइनस आंसर आएगा। में तो माइनस इट विल बिकम -22/100। हंड्रेड। अब आप इसकी कटिंग करें, टू यस सर। एलेवन माइनस जार इलेवन ट्वेंटी अपॉन टू 50 होगा। माइनस इलेवन बार इलेवन सर बार 50 आएगा। इलेवन बार 50। 50 -11/50। अब शाबाश, आप लोग इसको नोट कर ले, मैं फिर अगला पार्ट कराता हूँ। जस्ट अ मिनट, में नोट कर लूँ। सर हो गया नोट। हेलो। जी, बस एक मिनट वेट करें। सर अगला सवाल हुजैफा सॉल्व कर सकते हैं? जी, अभी आप लोग को भी एक क्वेश्चन दूंगा मैं, पहले पांच पार्ट मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद छठा और सातवां पार्ट आप लोग को दूंगा, ठीक है। 3/4 ओके सर। +4/3। आप लोग इधर लाइव इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग के पास डिजिटल पेन टेबलेट तो नहीं है ना, आप लोग अपने पेज पे सॉल्व करके मुझे भेज दिया करें, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, थ्री, अब देखो ना, डिनोमिनेटर लेकिन सेम सर नहीं है, तो मैं पहले इस तरह कर सकता हूँ डिनोमिनेटर कि को मैं आपको आपने बता सेम सकता हूँ और करना आप नहीं है। सर। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो उस दौरान बिल्कुल आप लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। 3/4 + 4/3, डिनोमिनेटर को कैसे सेम करें? ये फोर वाले को थ्री से मल्टीप्लाई करना, जब नीचे थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये थ्री वाले को फोर से मल्टीप्लाई करना, तो नीचे भी फोर से मल्टीप्लाई और ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 3 3s are 9, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 3 4s are 12। अब आप लोगों ने 12 एलसीएम लेना है, 12 क्या ले लेना है? एलसीएम। तो 9 को आप 16 से प्लस करेंगे और 9 + 16 से आ जाएगा आपके पास 25/12। अब एक ट्वेल्व बात याद रख लेना कि जब डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर से बड़ा हो तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो आप लोगों ने उसको मिक्स्ड नंबर में लाजमी कन्वर्ट करना है, यानी 25 को आप 12 से क्या करेंगे?
डिवाइड डिवाइड करेंगे. 12 टूज आर 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना बला, 2 होल 1 अपॉन 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर. अब समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर आ गई. गुड, शाबाश. अब मेरा काम है आप लोगों को ये बेसिक थीम बिल्कुल आराम आराम से समझाना, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है सर, ये सेकंड चैप्टर मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए मेरी रिवाइज अच्छी तरह हो गया मेरा. बिल्कुल बिल्कुल, अब देख लेना. मैं तो आप लोग को डेली इस तरह का लेक्चर आप लोग को दिया करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस किया करें तो फिर चैप्टर के एंड पे आप लोग को मसला नहीं होगा. अब आप लोगों को ज्यादातर बच्चों ने मुझे सेट्स का अभी तक टेस्ट नहीं भिजवाया, तो जब चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा तो मैं वो जो सेट का टेस्ट है ना, जितना मैंने टेस्ट बनाया था, वो मैं आप लोगों को एक दफा खुद भी सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, क्यों उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पता नहीं अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं भिजवाया. सर मैंने भिजवाया, मैंने भिजवा दिया. अच्छा ठीक है. अच्छा अभी इस क्वेश्चन को देख ले बस, अभी इसको छोड़ दे बेटा, जो हो गया वो हो गया, बस वो चैप्टर दोबारा पढ़ा लूंगा, अब इस चैप्टर पे फोकस करें. 1/5 - 3/20 बेटा, अगर 20 को मैंने डिनोमिनेटर बनाना हो तो मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए? सर 5 को 4 से. 5 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 20 बन जाए? 4 से. आप लोग देख रहे हो मैं बीच में कलर्स वालर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग को बेहतर समझ आ जाए. ठीक है, 4/20 - 3/20 तो आंसर कितना होगा बेटा? 1/20 will be the required answer. Sir, but I have one question. Yes, please. Sir, मैंने इस तरह पढ़ा था कि सर इस तरह भी 5 और 20 हैं, अगर इनमें से कोई एक नंबर जो है वो अगर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, उसी के मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर आता है, तो हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे को नहीं करते, और अगर दोनों डिफरेंट और सब पिछले सवाल में 5 और 4 था फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसी तरह का लॉजिक है जिसे अभी आपने पढ़ाया, ये एक को मल्टीप्लाई किया दूसरे को नहीं. जी जी, यही लॉजिक है कि अगर छोटे नंबर के मल्टीप्लीकेशन में बड़ा नंबर आ रहा है तो बड़ा नंबर सेम रखे, छोटे नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, लेकिन अगर छोटे नंबर बड़े नंबर में सेम नंबर नहीं आ रहा तो तब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है सर. ओके सर. जी जी बोले सर. सर ये 4 पार्ट की समझ नहीं आई सर. सर पार्ट 5 हम करें. एक मिनट सर, ये आप लोग पार्ट 5 खुद कर लो, मैं इसको पार्ट 4 दोबारा समझा देता हूँ. किसको समझ नहीं आई, नाम बताएं प्लीज. सर ताबे हैदर. ताबे हैदर दोबारा देख लो बेटा, बाकी लोग पार्ट 5 खुद करें. हाँ देखिए बेटा, 1/5 - 3/20 ओके. अब 5 के टेबल में तो 20 आ रहा है ना, तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही काम हमें न्यूमरेटर में भी करना चाहिए. इस तरह 5 4 20 हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा, तो 4/20 - 3/20 और जब 4 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/20 आ जाएगा, यानी 4 - 3 करना है आप लोगों ने. ठीक है, 4 - 3/20 और जब आप 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. ताबे समझ आ गई है? यस सर. ओके, अब इस पार्ट को देखे जरा, पार्ट नंबर 5 को. जो जो कर सकते हैं वो कर ले बेशक. ठीक है, प्लस माइनस माइनस 49/50. एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास सिर्फ 1 आ जाए ना, उसके नीचे कुछ भी ना हो, तो आपने उसके नीचे खुद से 1 लिखना है. खुद से क्या लिखना है? 1 लिखना है. 1 क्यों लिखना है? ताकि 1 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे भी 50 आ जाएगा, तो जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह ये हो जाएगा 50/50.
स्टूडेंट्स 50/50 हो जाएगा ना? यस सर, यस सर। ओके, अब आप 50 जो है वो कॉमन ले लें। समझा सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई अभी? यस सर, यस सर। अच्छा, जिन जिन को समझ नहीं है ना, वो जरा ये क्वेश्चन नोट कर ले, नोट करने के बाद फिर दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन एक दफा नोट कर ले, उसके बाद दोबारा समझा देता हूँ। सर हेलो, हमारी आवाज आ रही है? सर म्यूट है। ओके जी बेटा, किसी स्टूडेंट को समझ ना आए हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई सब लोगों को? यस सर। अभी एक दफा दोबारा देख ले बेटा, जब भी आपके पास वन आएगा ना, तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, 50/50 डायरेक्ट लिख का करे। यानी आप दूसरी साइड पे देख ले डिनोमिनेटर क्या है, दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर 50 है, तो बस आप इस वन को लिख ले 50/50। अगर यहाँ डिनोमिनेटर 100 हो तो आप इस वन को लिख ले 100/100। बस ये सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। ओके ओके सर। सर मेरे पास तो ऐसा लेकिन मुझे तो कुछ दूसरा मैटर जाता है, लेकिन जैसे कि 50 या 1 और 50 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर जो एलसीएम आएगा उसको दोनों पे डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो लिखना होता है। बिल्कुल, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, एलसीएम मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। ओके यस सर, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, बिल्कुल आंसर सेम आना चाहिए, तभी तो ठीक होगा। ओके, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से कर ले शाबाश। 1 + 11/100, देखो ना, मैं आप लोगों से क्लास में प्रैक्टिस करवाता हूँ, अगर आप लोग अभी रजिस्टर हाथ में पकड़े हुए इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करोगे तो आप लोग के लिए बहुत इजी होगा। 1 + 11/100, शाबाश। इस वन को अभी आपने 100/100 लिखना है, ठीक है? जल्दी से कर ले। सर मैंने आपको ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। गुड, मैं चेक कर लेता हूँ अभी, मैंने व्हाट्सएप पे ना सर में एक्सरसाइज खोला हुआ है ना, तो मैं बाद में चेक करता हूँ, बिल्कुल भी देख लेता हूँ। अमार ने सेंड कर दिया मुझे, गुड शाबाश, ठीक है। दो लड़कों ने सेंड कर दिया, जी किसी ने सॉल्व किया तो मुझे आंसर बता दे। सर एक मिनट, सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा लास्ट पार्ट चल रहा है। ओके 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 सर, 111/100। गुड, वेल डन। वन को आप क्या लिखेंगे? 100/100 और इधर है 11/100, तो 100 क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम हो जाएगा, तो इट विल बिकम 100 + 11। ओके, 100 ठीक है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं।
मेरा आंसर जो आ रहा है वो है 111 बाय 100. बिल्कुल ठीक है. 111 को आप 100 पे डिवाइड करें तो 100 वन्स आर 100, इससे आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा 1, तो इट विल बिकम 1 होल 11 अपॉन 100. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके आंसर मुझे मेरा भी यही आ रहा है सर. डिवाइड के बगैर अगर आंसर आए तो ठीक है कि डिवाइड भी करने हैं? नहीं, आप जरूरी नहीं कि डिवाइड कर लो, ये तो रफ वर्क है, आप बेशक डायरेक्ट लिख लेना. ओके ओके सर. ओके अब इसमें एक पार्ट और करा रहा हूं ताकि हम इंग्लिश को भी अपना प्रॉपर टाइम दे सके. ओके ओके सर. मैंने कहा ना इस दफा मैं स्पीड बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझा सको. ठीक है ओके सर. सर मैंने आपको भेजा है अभी अपना वो सारे. बिल्कुल बिल्कुल मैं व्हाट्सएप पे चेक कर रहा हूँ बेटे साथ साथ. अब पार्ट नंबर 7 को जरा देखिएगा और यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर होगा. ठीक है ओके सर. ओके सर. 1/11 प्लस माइनस 5/11 प्लस 10/11. ओके अब आप इसको कैसे लिखेंगे? अब 2 से 3 टर्म्स हो गए, नो प्रॉब्लम, 2 से 3 भी हो जाए तो हम कर सकते हैं. प्लस माइनस माइनस यानी 5/11 और प्लस 10-20 सेकंड आप लोग वेट किया करें. ठीक है ओके सर. अच्छा जी अब आपने 11 कॉमन ले लिया, 1 - 5 + 10, अब इससे आंसर क्या आएगा बेटा? 1 - 5 क्या आ जाएगा? -4. नो 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 1 - 5 -4. ओके प्लस 6 10 में से 4 निकालेंगे तो 6/11. इज इट क्लियर? यस सर. ओके गुड. अच्छा ठीक है ठीक है. ओके समझ आ गई. जी समझ आ गई सब लोगों को? यस सर. यस सर. ओके मैं इसके सॉल्यूशन साथ-साथ भिजवा भी रहा हूं. ठीक है आप लोगों को. और आप लोग काइंडली कैडेट कॉलेज की स्टडी को एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा दिया करें. ठीक है बाद में साइंस मैथ स्पेशली स्टडी किया करें. ओके सर. लेकिन अब ना एग्जाम आ रहे हैं, कोशिश करें हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं करें. यहां पे क्लास में भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके ओके सर. ओके एक पार्ट और करा दिया, काफी है सर? इतना काफी है? काफी है. काफी है ना इंग्लिश का. चलो ये एक पार्ट में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं. ठीक है ओके सर. ये क्वेश्चन जरा नोट कर ले, ये आप लोगों ने खुद हल करके मुझे भिजवाना है. ठीक है ये होमवर्क हो गया. ओके सर अगर आप 1 मिनट रुक सकते हैं तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दे सकता हूं. ओके अभी सॉल्व कर ले. ओके स्टूडेंट्स मैं क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों का मैं इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करूं. ठीक है मैं क्लास एंड करके दोबारा ज्वाइन करा रहा हूं, फौरन दोबारा ज्वाइन करें. सर मैंने आपको भेज दिया. ओके मैं चेक कर लेता हूं.